बांग्लादेश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ढाका के गुलशन डिप्लोमेटिक जोन में हथियारबंद आतंकियों ने एक रेस्टोरेंट में 20 लोगों को बंधक बना लिया है। इनमें 17 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। हमले में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 5 लोग मारे गए हैं। रेस्टोरेंट के अंदर से अब भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बांग्लादेश के स्पेशल फोर्सेज ने मोर्चा संभाल लिया है। इलाके की पूरी नाकेबंदी कर दी गई है। टीवी चैनलों को ऑपरेशन के लाइव टेलीकास्ट से रोक दिया गया है। 9 आतंकियों ने होली आर्टिशन रेस्टोरेंट में हमला भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार की देर शाम 8:50 पर किया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ढाका में भारतीय उच्चायोग के सभी अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित हैं। उच्चायोग पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच ढाका में हमले के बाद भारत समेत दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। कोलकाता में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अहम ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। गुलशन एरिया में हुई ढाका के जो वहाँ का पावर और वेल सेंटर है, हर प्रकार की सिक्योरिटी मौजूद है, उसके बावजूद भी इस इलाके में अटैक होना इटसेल्फ जाहिर करता है कि लॉ एंड ऑर्डर उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। हाल ही में दुनिया के कई देशों की राजधानियों में ISIS के हमले को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हमले की पूरी जानकारी ली है और खुद भी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से गिरफ्तार 5 आरोपियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी उन 5 आरोपियों की मदद करेगी जिन्हें NIA ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। मैं कल वकील साहब हमारे अजीम साहब नाम पल्ली कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम साहब को बोला कि बच्चे आए थे मेरे पास, इनके खानदान वाले आए, इनको वकील की जरूरत है, ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, मिला वकील को लीगल हेल्प हम करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कल हैदराबाद से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था जिन पर भारत में आतंकी संगठन ISIS के लिए आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करेंगे। राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोरा भी होंगे। उसके बाद गुफा को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। 1,282 श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह पहलगाम और बालटाल से पवित्र गुफा के लिए रवाना होगा जो आज शाम गुफा तक पहुंच जाएगा। पिछले महीने में जो 2 घटनाएं हुई आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो एक रियली एक चैलेंज है, लेकिन अब की बार जो है एडिक्यूएट सिक्योरिटी डेवलपमेंट जो है इन प्लेस है। 2 जुलाई से 18 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में करीब 20,000 जवान तैनात हैं। ड्रोन और CCTV कैमरे की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ हो चुका है और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम पहलगाम की तरफ से जो ट्रैक है उसके बेस कैंप पर खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस कदर चाक चौबंद है सुरक्षा कर्मी। पहला जत्था यहाँ पहुँच चुका है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 72 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ और चमोली में बादल फटने से 30 लोगों की मौत हो गई है। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे बने 2 घर बाढ़ के पानी में बह गए। 20 से ज्यादा पुल भी पूरी तरह तबाह हो गए हैं। भारी बारिश से शारदा नदी उफान पर है। इस बीच केंद्र सरकार ने NDRF की टीमें उत्तराखंड के लिए भेजी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने CM हरीश रावत को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मैंने आपदा प्रबंधन के लोगों से कहा है कि सब जगह अलर्ट तो हमने पहले से जारी कर दिया था, लेकिन सब जगह जो है आवश्यक सुरक्षा के लिए पहुंचे और मैं स्वयं उसको यहां पे मॉनिटर कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। मैं उत्तराखंड में बादल फटने और भारी बारिश से हुई मौतों पर दुखी, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। राज्य सरकार ने मरने वालों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा कदम उठाया है। कानून मंत्रालय ने इस पर लॉ कमीशन से राय मांगी है, साथ ही फैसलों के दस्तावेज देने को भी कहा है। I requested the law commission to give me a report with regard to all this. हालांकि इस पर सियासत शुरू हो गई है। RJD अध्यक्ष लालू यादव ने इसे UP चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया है। बीजेपी क्या है, बीजेपी जिसका ग्राफ गिर गया है वो गिर गिर के तरह रोज चाल बदलते रहता है।
हर नया नया बात गिरीर के तरह खदेड़ो तो भागता है लंग लगा कर। मैं समझता हूँ कि देश के सब के लोगों के लिए कानून व्यवस्था सभी साधन उपसाधन सभी बराबर होने चाहिए, यह आम लोगों की एक बहुत बड़ी मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और मुझे खुशी है कि कानून मंत्रालय ने इस विषय में आगे बढ़े। कॉमन सिविल कोड के तहत शादी, तलाक और संपत्ति के अधिकार जैसे मामले आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि वो इस पर जनता और अदालत में व्यापक बहस चाहती है। भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता में देरी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले पाकिस्तान के बयान का भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जब तक पठानकोट हमले के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। It is a natural and legitimate expectation of both the government and the people of India that there should be concrete action from the Pakistani side, which has not denied the involvement of its nationals in the Pathankot attack. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि बातचीत पठानकोट जैसे हमले की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। I don't see why such incidents should suspend the dialogue because the dialogue includes one group on terrorism related activities. So when the dialogue starts, we can exchange progress reports or whatever we have to do on that basis also. इस बीच विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि 26/11 मुंबई हमलों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से गवाहों की कोई लिस्ट नहीं सौंपी गई है और ना ही कोई सबूत मांगे गए हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार वर्ल्ड रामायण कॉन्क्लेव कराएगी। ये कॉन्क्लेव दिसंबर में होगा। कॉन्क्लेव के लिए फिलहाल जगह तय नहीं हुई है लेकिन खबरों के मुताबिक कॉन्क्लेव अयोध्या में कराया जा सकता है। इससे पहले जून में भी पर्यटन मंत्रालय ने रामायण सर्किट के तहत 6 राज्यों की जिन 11 जगहों का चुनाव किया था उनमें अयोध्या समेत 4 जगहें उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका समेत 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे। 5 दिनों की विदेश यात्रा में पीएम मोदी मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और कीनिया का दौरा करेंगे। पीएम 7 जुलाई को मोजाम्बिक जाएंगे, 8 और 9 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। श्री नरेंद्र मोदी विल बी विजिटिंग मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया एंड कीनिया फ्रॉम 7th टू 11th जुलाई 2016। ऑन 7th जुलाई इन मोजाम्बिक द प्राइम मिनिस्टर विल हैव बायलैटरल डिस्कशंस विद प्रेसिडेंट न्यूसी। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अफ्रीकी देशों की यात्रा की थी। अफ्रीकी देशों के साथ भारत का कारोबार अभी 75 अरब डॉलर है और पिछले 4 साल में भारत ने वहां 7 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक मदद दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में यूनिटेक की बरगंडी सोसाइटी में फ्लैट बुक कराने वालों को बड़ी राहत दी है। ग्राहकों को फ्लैट सौंपने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से 12 अगस्त तक ग्राहकों को 5 करोड़ रुपए का हर्जाना देने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि हर्जाना राशि नहीं देने पर यूनिटेक के डायरेक्टर्स को जेल जाना होगा। नोएडा सेक्टर 76 में यूनिटेक ग्रुप का बरगंडी सोसाइटी नाम का प्रोजेक्ट है। इस सोसाइटी में फ्लैट खरीदने वालों का आरोप है कि बिल्डर ने तय वक्त पर उन्हें फ्लैट नहीं दिया।